नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की जो सबसे बड़ी फिल्म और सबसे पहली फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, जंजीर। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई फिल्म बाकी चली नहीं थी, लेकिन जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का दर्जा दिलाया और एक बड़ा स्टार बनाया बॉक्स ऑफिस पर। 1973 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, अब इसको 51 ईयर हो गए, तो इसके उपलक्ष में ये वीडियो में बना रहूँगी 51 ईयर्स ऑफ जंजीर। तो जंजीर अमिताभ बच्चन को कैसे मिली, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये फिल्म ऑफर की गई थी वो धर्मेंद्र जी को ऑफर की गई थी, लेकिन डेट्स प्रॉब्लम के कारण धर्मेंद्र जी इस फिल्म को नहीं कर पाए थे। और उसके बाद में ये फिल्म दिलीप साहब के पास भी गई थी, दिलीप साहब को भी ऑफर हुई थी, लेकिन वो ऐसी फिल्म नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगा कि शायद उनके लिए ये फिल्म नहीं है, तो ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था कि वो ये फिल्म नहीं करेंगे। उनको ज़्यादा स्क्रिप्ट में ज़्यादा दमदार फिल्म लगी नहीं थी। राजकुमार जी के पास भी ये फिल्म गई थी दोस्तों, राजकुमार के पास, द लेजेंडरी डायलॉग किंग राजकुमार के पास, और उन्हें शायद प्रकाश बेहरा से शिकायत थी। कुछ किस्से सुने हैं मैंने कि आप जो तेल लगाते हैं सिर में वो मुझे पसंद नहीं है, चमेली का तेल लगाए, तो ऐसी कुछ खबरें आई थी राजकुमार सर के बारे में कि उनको कुछ प्रकाश बेहरा से कुछ एलर्जी थी, कुछ प्रॉब्लम थी कि उन्होंने फिल्म को नहीं किया था। क्योंकि राजकुमार सर का संकीपन तो मशहूर ही है, वो उनका मूड दर्द फिल्म करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। हालांकि बाद में प्रकाश बेहरा जी के साथ उन्होंने फिल्म की थी, लेकिन जंजीर उन्होंने ठुकरा दी थी, जंजीर उन्होंने नहीं की थी। तो फिर ये फिल्म देवानंद साहब के पास गई थी और देवानंद साहब ने भी फिल्म को ठुकरा दिया था। उन्हें भी लगा था कि ये फिल्म उनके लेवल की नहीं है, क्योंकि देवानंद साहब का मानना था कि अगर फिल्म में हीरो नाच गाना नहीं करे, हीरो कॉमेडी नहीं करे, ऐसे नहीं, तो फिर वो क्या हीरो हुआ। और अमिताभ का, आप जानते हैं, अमिताभ जी का इस फिल्म में बहुत ही सीरियस रोल था, नाच गाना ज़्यादा था नहीं उनका। तो यारी यही मान मेरा वो गाना भी प्राण साहब का था, उसमें भी काफ़ी सीरियस रहते हैं अमिताभ बच्चन। तो इस तरह से देवानंद साहब ने ठुकरा दिया। और बाद में जया बच्चन ने, ये जया बहादुर जिसे मैं उनका नाम, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन को दी जाए, और तब ये फिल्म अमिताभ बच्चन को मिली थी। और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में अपनी सब कुछ झोंक दिया था, और जिस प्रकार का उन्होंने रोल किया वो आज एक इतिहास बन चुका है। जो उनका प्राण साहब के साथ सीन है कि जब तक कहानी जाए तब तक, मतलब ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, चुपचाप सराफत से खड़े रहो, ये जो डायलॉग था वो काफ़ी ज़्यादा चला था उनका। और पूरी फिल्म में उनका जो एंग्री यंग मैन रोल है बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत ही एक बड़ा स्टार इस फिल्म के बाद में अमिताभ बच्चन बन गए थे, और एंग्री यंग मैन का उनको एक उपाधि मिली थी। तो एक किस्मत से उनको ये फिल्म मिली, और किस्मत ने फिर उनको भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया, मेगा स्टार बनाया, मिलेनियम स्टार बनाया। तो ये थी जंजीर की कहानी। मैंने देखी दो तीन बार फिल्म, आपने भी देखी होगी, और आज भी आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग, अमिताभ बच्चन हो चाहे जया बहादुरी हो, चाहे प्राण साहब हो, चाहे अजीत हो, अजीत जी हो, जो भी हो। तो ये थी पूरी जंजीर फिल्म की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसके नाम मुझे बोलना।